नमस्कार सभी दोस्तों को, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करता हूं आप सब लोग अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। साथियों, 3-4 दिन से टाइम नहीं लगा व्लॉग डालने का, क्योंकि दरअसल मैं शूटिंग पे बिजी था। विजय वर्मा जी के साथ हमारी एक वेब सीरीज की शुरुआत हो रही है, जिसका नाम है खोटा सिक्का, जो आपने बहुत जल्द मैं बता दूंगा कौन से चैनल पर होगी। वह उसकी शूटिंग में मैं 3-4 दिन तक बिजी था, तो परिवार के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाया। तो आज मैं अपने परिवार के लिए पूरा टाइम निकाला भाई, पूरे दिन का। आज मैं इन्हें लेकर जाऊंगा शहर में। छोटा जिद कर रहा है, पापा इतने दिन हो गए ना तक किधर घुमा के लाता, ना कुछ खिला के लाता, तो आज छोटे ही सारी फरमाइश पूरी करनी है। छोटे के खाओगे बता? डोसा, डोसा। तो दोस्तों, इसकी फरमाइश है डोसा, और छोटी जो मेरी भतीजी है या भी डोसा के है, तू के खाओगे भाई? यो पाव भाजी खागा, और तू के खाओगी या भी पाव भाजी खाओगी? तो अभी चलते हैं साथियों बहादुरगढ़ की तरफ, वीडियो में बने रहियो। मैं आज आपने दिखाऊंगा एंडी पाव भाजी और एक नंबर का डोसा। चलते हैं दोस्तों। हम पहुंच गए हैं बहादुरगढ़, और ये वाला रास्ता सब्जी मंडी जो है बहादुरगढ़ की, जो बादली चुंगी है उस तरफ ताव है। अभी हम फिलहाल हैं गांधी चौक पे, और सामने आपने किला गेट दिखाई देता हुआ, बहादुरगढ़ का बहुत पुराना गेट है ये, इसको किला गेट बोलते हैं। और इस किला गेट के साथ में ही एक छोटी सी रेडी है दोस्तों, क्योंकि रेस्टोरेंट पर तो मैं काफ़ी बार डोसा खा चुका हूँ बहादुरगढ़ में कई रेस्टोरेंट पर, लेकिन ये जो रेडी है इस पर हमने आज तक डोसा नहीं खाया है। तो आज दिलीप कुमार का मशहूर मसाला डोसा, और भी काफ़ी वैरायटी है इसके पास दोस्तों। जो छोटी छोटी ये रेडियों हैं, दरअसल इनका स्वाद नहीं पता कैसा मिल जा, बहुत स्वादिष्ट भी हो सका है और थोड़ा ख़राब भी हो सका है, लेकिन इस रेडी का जैसा डोसे का जैसा स्वाद होगा वो मैं आपको रियल में बताऊँगा। तो अभी देखते हैं, भाई से करते हैं थोड़ी बात। नमस्कार भाई। नमस्कार। कहाँ से हो आप? है जी, यूपी से। यूपी कौन सी जगह है? लखनऊ। तो ये लखनऊ से है भाई। तो कितने दिन से भाई ये रेडी है आपकी यहाँ पे? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए, अच्छा। तो डोसे के अलावा और भी कुछ काम करया करो भाई? ना, डोसे के अलावा कुछ। तो अभी आपके पास क्या क्या चीज है भाई? अभी सारे हैं, डोसा भी है, चाउमीन भी है, सांभर वड़ा भी है। तो डोसा कौन कौन सा है? डोसा मसाला है, ओनियन है, पनीर है। मसाला डोसा कितने का है आपके पास? मसाला डोसा 60 का है। 60 रुपए का मसाला डोसा है। पनीर डोसा 90 रुपए का पनीर डोसा है। तो ये भाई का सेटअप है, और काफी साफ सफाई भाई है रेडी पे। सबसे मेन चीज तो दोस्तों रेडी पे हुआ है साफ सफाई। साफ सफाई रखनी बहुत जरूरी है, और भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी साफ सफाई रखने में। यहाँ पे इसको 10 में से 10 नंबर है भाई। अभी मैं पूछता हूँ बच्चों से कि कौन सा डोसा इसमें चाहिए, कौन सा चाहिए आपको? पनीर नहीं, डोसा खाना बेटे, चाउमीन नहीं। चाउमीन डोसा। यो देख लो दोस्तों, चाउमीन डोसा मांगा है बेटे, चाउमीन डोसा नहीं होता, पनीर डोसा है, मसाला डोसा है, कौन सा लेना है बता? मसाला डोसा। मसाला, अच्छा। और आप जी, आप कौन? मसाला डोसा। और आप भाई साहब? मसाला डोसा। सबकी पसंद मसाला डोसा है, और मेरी पसंद दरअसल दोस्तों पनीर डोसा है, लेकिन भाई 3 वोट ज्यादा हैं तो मसाला डोसा खाना पड़ेगा। अभी लगवाते हैं अपने लिए मसाला डोसा। ये मसाला डोसा की तैयारी होगी, ये भाई ने पेस्ट डाल दिया। ये पेस्ट किस चीज का हो भाई जी? चावल का, चावल उड़द की दाल। वो ये ऊपर से क्या डाल दिया भाई ये? ये भाई ने थोड़ा रिफाइंड डाल दिया। अगर आपने मक्खन में बनवाना है तो उसकी भी है? मक्खन में भी है। मक्खन भी है भाई के पास? यार मेरे माँ आपने बिना पूछे डाल दिया, मैं तो मक्खन डलवाता। चलो कोई बात नहीं, अब तो लगा दो। दरअसल दोस्तों ये जो डिश हैं डोसा सांभर वड़ा, ये दक्षिण भारतीय हैं, लेकिन अब तो भाई पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया, क्योंकि खाने में बहुत स्वादिष्ट हो है और थोड़ी हेल्दी भी हो है, क्योंकि सांभर नारियल की चटनी इनके साथ मिला है, और इसमें उड़द की दाल और चावल का पेस्ट है, जो ज़्यादा हानिकारक नहीं होता स्वास्थ्य के लिए। और ये भाई ने डाल दी प्लेट में, दो तरह की चटनी है,
ये नारियल की चटनी, और ये किस चीज की चटनी भैया? टमाटर की है जी। ये टमाटर की चटनी। ये आपका मसाला? हाँ जी। मसाले में क्या क्या हो भाई? मसाले में है सरसों है, चने की दाल है, सौंफ है, जीरा है, अच्छा धनिया है, वाह हरा धनिया है, प्याज है, आलू है। आज आलू है, आलू तो मेन है। तो ये मसाला लग गया अपना भाई डोसे के ऊपर, और भाई बहुत खूबसूरत दिखाई दे है। देखो मेरे तो मुंह में पानी आ गया। और किस किस का पानी आया कमेंट में बताइयो। ये तवा दोस्तों एक अलग प्रकार का तवा हो है डोसे का। ये भाई ने डाल दिए प्याज ऊपर से, ये अपना डोसा तैयार हो गया भाई। बहुत क्रिस्पी है। ये अपनी प्लेट है भाई 60 रुपए की। मेरे बच्चे अभी चल पड़े अपनी प्लेट की तरफ, अभी खाएंगे ये मसाला डोसा। एक प्लेट बड़ा सांभर की लगवाई है, वो भी टेस्ट कराएंगे। एक सिंगल पीस लगा दे। ये है बड़ा भाई, इसका अपना एक अलग टेस्ट हो है। मन ने बहुत पसंद है यो। मैं जब हैदराबाद में था तो काफी खाया करता ये। तो भाई ने सांभर ये अंडा डाल दिया बड़ा, और इसमें तो आप निकाल लेंगे। ये दोस्तों सांभर वड़ा कैसा लगा छोटे? अच्छा है। दोस्तों डोसा निमटा दिया है फैमिली ने, पूरा मन ने खाया है बड़ा सांभर। कड्डी पत्ते का जो स्वाद था वो अलग टेस्ट था उसका, काफी सारी चीजें थी इसमें। और डोसा बड़ा भी बहुत अच्छा था। तो आप कभी भी बहादुरगढ़ आओ तो भाई दिलीप कुमार का मशहूर मसाला डोसा जरूर टेस्ट करियो। भाई की रेडी मैं आपने दिखा दूँ, भाई पूरी साफ सफाई दे अपना काम करे है, और स्वाद में कोई कसर नहीं है दोस्तों। बहुत ही टेस्टी स्वाद है। और ये इनका सांभर है, ये देखो बिल्कुल गर्मा गर्म, क्या रंगत है, जबरदस्त। डोसा खाने के बाद माँ बेटे आ गए हैं भाई पाव भाजी खान। आज इनका पेट कति फुल करके ले जाना है। छोटे खा लेगा ना पाव भाजी? पाव भाजी ना खाऊंगा, गोलगप्पे खाऊंगा मैं, अपने पसंद की चीज है। गोलगप्पे? हाँ। अभी गोलगप्पे भी हैं। तो अभी हमारे यहाँ दोस्तों देवीलाल पार्क के सामने ये है बीकानेर मिष्ठान भंडार। यहाँ पे पाव भाजी भी मिल रहा है, गोलगप्पे भी मिल रहा है, काफी सारी चीज मिल रहा है। छोटे को खिलाऊंगा गोलगप्पे, और यहीं पर सेक्टर में हमारे पड़ोसी रहे हैं उनके लिए पाव भाजी पैक कराऊंगा, और फिर घर पर जाकर अपना पाव भाजी भी दिखाऊंगा कि कैसी बीकानेर की पाव भाजी है। ये दोस्तों रेस्टोरेंट के अंदर का नज़ारा, पहले पर्ची लेनी पड़ा है भाई। कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाओ। बिक्री ठीक ठाक हो रही है? ठीक ठाक। चलो बहुत बढ़िया। ये देखो दोस्तों बूंदी देखो, वाह भाई वाह। भाई साहब तीन तो पाव भाजी पैक करनी है हमारी, कितने के? दो। दो के? दो, दो रुपये गोल गप्पे ना देंगे, कितने पैसे के खाने हैं ये बता? दस के भी ना दें, गया जमाना बेटे। कितने के खागा? बीस के कम से कम। बीस के कितने आओगे? बीस के आओगे तू छेक जाएगा उनमें, कम रह जाएगा तो, कम रह जाता और ले लेंगे ना, ले लिया ले लिया बीस के। और डेरी मिल्क खाऊंगा। डेरी मिल्क? डेरी मिल्क? दो डेरी मिल्क दे दे भाई।
ये दोस्तों अपने पाव लग गए हैं, बाजी इनकी इस तरफ है, अभी पाव सिकेंगे मक्खन में। अपनी पाव भाजी होगी है पैक, अभी चलते हैं घर पे और फिर टेस्ट करके बताते हैं आपको बीकानेर की पाव भाजी कैसी है। काम के चलते अब मुझे गांव छोड़ना पड़ेगा भाई, तो आज मैं एक फ्लैट भी देखने आया हूँ। मेरा तो काम मैन यही था फ्लैट देखने का आज, तो बच्चों ने खा पी लिया और हमारा एक पड़ोसी यहाँ पर है साथियों, उसके पास चलेंगे अभी और फिर देखेंगे। इस तरफ शायद कोई फ्लैट खाली है, उसे मैं देख आऊंगा और आप लोगों ने भी दिखाऊंगा। अभी चलते हैं अपने पड़ोसी के घर। ये है दोस्तों, नमस्ते बेटे, हमारे पड़ोसी और मकान, अपनी बिटिया रानी दोनों रसोई में लगी हुई हैं। और ये यहाँ पे बैठ के मेरे शैतान, ये भाई छोटे ने अपना दोस्त मिल गया है मिंडू देव, ये यहाँ पे बैठे हैं। और साथियों ये हमारी ताई है, देखो शहर में मौज ले रही है। अरे खींच के मौज ले रही है। क्यों, के बात है? गाम बढ़िया, गाम बढ़िया। क्यों, गाम में और शहर में के फर्क लग गया? अच्छा, अरे पड़ोसी को ना को ना अच्छा गांव में जो कर पड़ोस में किसे हो चली जा रही ना ना ताड़ वो काम को ना गांव याद आओ ऐसी अच्छी बताइए भाई क्या मैं याद आओ है गांव तेरी माँ याद आओ सिला देने इमानत में कितना लाऊं मेरी माँ तो गई ऊपर देख ले माँ याद आओ मेरे तो नहीं ताई सच्ची बता गांव बढ़िया था शहर बढ़िया था सच्ची बता भाई गांव बढ़िया अच्छा आड़े इस बेड पे बैठी रहे है थोड़ी ही नून नून घूम ले बाहर की तरफ है अरे मन ने देख मजबूरी है मन ने विचार माना पड़ेगा थारा पड़ोसी बनना पड़ेगा तू ही बड़ा होगा के करूं और मेरा काम इस प्रकार का हो गया उड़ गांव में ताना बाजती है अरे का और भादरगढ़ में काम मिल गया ना मने बढ़िया से लिया ही नहीं सारे ने के करूं मजबूरी माना पड़ेगा मेरा जी ना करता तेरे की त्रिया छोड़ने में काम बालक भी अड़े आऊंगे मैं भी अड़े आऊंगा बालक तो कह लाऊंगे साका हो गया तन्ने तो छोड़ दिया काम तू तो शहर वाली होगी मैं भी मन ने भी होना पड़ेगा हमने तो छोड़ छाड़ दिया भाई तेरी माई सी गई मेरा तो काम छूट गया तो भाई दोस्तों ये अपने बुजुर्ग हैं गांव में सारी जिंदगी गई है इनकी इब लास्ट में आ गया शहर में आ गई भाई लेकिन जी नहीं लाग रहा ताई है ना जी नहीं लाग रहा भाई ताई का और भाई बच्चे यहाँ पे बैठ गए हैं या पाव भाजी है नी छोटे कितना खाओगा बेटे डोसा तू खाया या बड़ा तू खाया या कचौड़ी भी खाई थी तने मैंने फिल्माया को ना तू जान के हैं कितना और खाओगा बेटे कम खाओ है कैसी लगी आपको ये तो बताओ तो भाई बीकानेर वाला ने पाव भी खूब सेक रखे हैं सलाद भी दे रखी है और ये भाजी इनकी भाजी में पनीर भी है काफी सारा पनीर है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, काफी लंबी होगी वीडियो। आपको पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, अच्छी अच्छी कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार सभी साथियों को।